आपां देश मैं नवां उडारियां। आसमां की जमानत के पेपर चल पुत्र। चल साहब समझाइए से, किसी के घर में घुसना तोड़फाड़ करना ये तरीका बिल्कुल गलत है। आरवी ने अरमान को वो चूड़ियां क्यों भेजी, उसे क्यों उकसाया? अरमान तो उससे लड़ना भी नहीं चाहता था। इनफैक्ट हमने उसे सिम्मी की सच्चाई बताने की कोशिश की पर उसने यकीन नहीं किया। हम पे तेरी सारी बात मानता हूँ पर कानून के पास कोई पुख्ता सबूत नहीं। तुम सबूत मैं ला के दूंगी ना पापा। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, जब उस दिन मैं अरमान को ढूंढने जंगल में गई तो रणविजय वहां उसी वक्त कैसे था, उसके पास अरमान की वॉच कैसे थी? पर मैं अरमान को ढूंढ के रहूंगी और उस रणविजय के खिलाफ सबूत भी ला के दूंगी आपको। ए यार फील नहीं आ रही यार। ओ फील कैसे आनी है, चील आ गई जी। काके एक ब्रेक। ओ बड़ी जल्दी आ गए जेल से। मुझे कुछ बात करनी है तुमसे। मुझसे? वाह जी वाह, मुझे सुना था जेल में अच्छे अच्छे ठीक हो जाते। कैसे सच निकला? ओ भेजी तो जलेबी थी। आई नूडल बन के इतने प्यार से बात कर रही। वाह यही समझ लो पर बात करना जरूरी है। आओ जी गेट कंफर्टेबल जी। नॉट टू कंफर्टेबल। दसो जी की गल करनी है। फर्स्टली आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा। सेकेंडली मैं और अरमान तुम्हें जेन्युइनली उस कार ब्लास्ट से बचाना चाहते थे, ना कि तुम्हें मारना। पता नहीं उस दिन क्या हुआ, तुमने गलत समझ लिया और अरमान को दुश्मन मान लिया। प्लीज रणविजय ट्राई एंड अंडरस्टैंड, मुझे जेन्युइनली लगता है कि तुम्हें पता है अरमान कहाँ है। मुझे प्लीज बता दो उस दिन क्या हुआ था। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम्हें अपनी इमेज की फिक्र है। आई प्रॉमिस कुछ नहीं होगा, मैं इस पूरे मामले में तुम्हारा नाम भी नहीं आने दूंगी। बताता हूँ जी पूरी बात बताता हूँ, टोन मिलने दो जी। मैंने बोला तुम्हारे अरमान को क्लिफ नोट पे, एंड एज यू नो तुम्हारी तरह उसे भी बड़ बड़ करने की आदत है। बस शुरू हो गई बड़ बड़ लड़ाई, मुक्के घूसे लाते एंड देन बूम।